नमस्कार, स्वागत है आपका माय हेल्थ चीप में और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार की उत्तम जड़ी बूटियां पाई जाती है, जिनमें से शिलाजीत भी एक है। आयुर्वेद में शिलाजीत की खूबियों का खूब बखान किया गया है। महर्षि चरक ने स्वयं यह कहा था कि पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं है जिनका इलाज शिलाजीत से न किया जा सके। आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत की उत्पत्ति शिला अर्थात पत्थर से हुई है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से पर्वत की चट्टानों के धातु अंश पिघलने से जो एक प्रकार का स्राव होता है, उसे शिलाजीत कहा जाता है। यह एक चिपचिपा और लसलसा पदार्थ है जो काले या भूरे रंग का होता है। शिलाजीत का उपयोग करीब 5000 सालों से हर तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आयुर्वेद में शिलाजीत के फायदे और गुणों का बहुत महत्व है। इसमें 85 खनिज और तत्व होते हैं जो मानव शरीर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं। शिलाजीत में फॉलिक एसिड होता है जो शरीर को खनिज लवणों और तत्वों से सूखने की शक्ति प्रदान करता है। शिलाजीत का सेवन पुरुषों में यौन शक्ति बढ़ाता है और बढ़ती उम्र को रोकता है। कहा जाता है कि शिलाजीत की खुराक का हजारों मर्ज की एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। अल्जाइमर दिमाग से जुड़ी बीमारी है जिसमें याददाश्त, व्यवहार और सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। अल्जाइमर के लक्षणों के इलाज के लिए वैसे तो कई दवाएं मौजूद हैं, लेकिन आधुनिक रिसर्च से पता चला है कि शिलाजीत अल्जाइमर से बचाने में काफ़ी उपयोगी है और यह धीरे धीरे अल्जाइमर के लक्षणों को कम कर देता है। शिलाजीत में फॉलिक एसिड नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो न्यूरॉन में अधिक टॉप प्रोटीन जमा होने से रोकता है। इससे हमारे याददाश्त की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है, लेकिन कुछ पुरुषों में इस हार्मोन का स्तर काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से सेक्स शक्ति में कमी, बाल झड़ना, थकान और मोटापा बढ़ने लगता है। 45 से 55 साल के उम्र में यह अधिक होता है, लेकिन उनको लगभग 3 महीने तक शिलाजीत की खुराक देने पर पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, अतः उनकी खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है। क्रोनिक हॉटिंग सिंड्रोम CFS एक ऐसी बीमारी है जिनमें व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक थकान और सुस्ती का अनुभव होता है। एक रिसर्च के अनुसार शिलाजीत की CPS के लक्षणों को दूर कर एनर्जी स्टोर करने में मदद करता है। शिलाजीत माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे शरीर में एनर्जी फिर से स्टोर होने लगती है और थकान की समस्या दूर हो जाती है। शिलाजीत में पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण मौजूद होते हैं, इसलिए यह फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करती है और कोशिकाओं को टूटने से बचाता है। शिलाजीत का नियमित सेवन करने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और यह बुढ़ापे को रोकता है। इससे आप हमेशा जवान दिखते हैं। शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिलने से खून की कमी हो जाती है। इसकी वजह से थकान, कमजोरी, सिर दर्द, हृदय की गति को बढ़ना और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। शिलाजीत के उपयोग से शरीर में धीरे धीरे आयरन की कमी पूरी होने लगती है और रेड ब्लड सेल की संख्याओं में बढ़ोतरी होती है, जिससे एनीमिया की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। पुरुषों में शिलाजीत बांझपन की समस्या को दूर करने में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। बांझपन की समस्या से ग्रस्त
60 पुरुषों पर एक स्टडी की गई। उसमें उन्हें 3 महीने तक भोजन के बाद दिन में 2 बार शिलाजीत की 100 mg की खुराक दी गई। 3 महीने बाद 60 पुरुषों के स्पर्म में वृद्धि हो गई। शिलाजीत को एक बार में सिर्फ 100 mg की मात्रा देनी चाहिए और 3 महीने में अधिक 3 महीने से अधिक लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। शिलाजीत के सेवन से हृदय मजबूत रहता है और हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। शिलाजीत के उपयोग से हृदय की बीमारियों में छुटकारा मिल जाती है। साइड इफेक्ट, जब शिलाजीत का उपयोग किए जा रहे हो तब दूसरे आयरन सप्लीमेंट लेने पर इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि शिलाजीत में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाने और ज़्यादा खून बनने से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। कभी कभी शिलाजीत लेने से एलर्जी की समस्या हो जाती है, आपको खुजली, मिचली और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। उस स्थिति में तुरंत शिलाजीत का उपयोग बंद कर दें। अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं तब शिलाजीत लेने से पहले डॉक्टर से सलाह करें। शिलाजीत का 100 mg से अधिक मात्रा एक बार में नहीं लें। अधिक मात्रा लेने पर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पित्त में परेशानी पैदा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जय हिंद, जय भारत।